हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग शो। आज मिर्ज़ा और आज हम आए सालार जंग म्यूजियम में। सो ये है सालार जंग म्यूजियम, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. So guys, we are at सालार जंग म्यूजियम और इधर फिर उसके पिक्चर्स थे पुराने वाले, ओल्ड वाले। और अभी हम देखते हैं ऊपर ऊपर जाके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अभी हॉल नंबर 1 हुआ जो हम देखते हैं। थर्ड थे उनका नाम था, जिनका स्टैचू भी है बाहर। आप जैसे गेट के सामने होंगे वहाँ पर उनका स्टैचू भी है, मीर यूसुफ अली खान उनका। तो ये पूरा म्यूजियम उनके नाम में शामिल है। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, मीन्स यहाँ पर फूड कोर्ट इधर है, आपको फूड लाने का अलाउ नहीं है अंदर। और यहाँ पर अभी बेल मारता है वो घंटी, मतलब घंटा मारता है, आप आगे देखें। सो गाइस, अगर आपने 50 रुपीज़ का टिकट नहीं लिया तो आपको 500 रुपीज़ फाइन है। और इधर ये LED जो लगी है यहाँ पे, इसका शोकेस होता पूरा कम्प्लीटली। नाउ वी आर देयर, आर्म्स इधर पर आर्म्स है। अभी हम उसके बाद इधर जा रहे हैं, इधर सबके डंडे हाथ के जो रहते हैं वही चलने के लिए वो, तो यहाँ सब अलग अलग टाइप्स के। ऑटोमन सीजन मार्बल कॉपी सब की कॉपीज है। उसके बाजू में जो हम गए थे, जो आपने पहले क्लिप देखा, उसके अंदर पूरे डंडे जो रहते हाथ के वॉकिंग स्टिक वो थे पूरे। उसमें अलग अलग सबके, मीन्स किसी के ऊपर सब, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग स्टिक थे। फिर हमने जो देखा वहाँ पर सब सामान था, मीन्स वेपन्स एंड ऑल वो था। अभी हम जाएंगे वो क्लॉक वॉच देखने। Thank you.
एक्चुअली ये जो हॉल है इधर पे खाली ने मीन्स जो बादशाह के में हॉल में और उसके जो महल रहता था उसमें जो रहने थे ये सब वही है ये पीछे सब। फोर्स अलग अलग है और उसके अलावा फ्रेंच की फोर्स ये फ्रेंच की फ्रेंच है ये इन्फेंट्री है मिलिट्री में ये नेवी के है ब्रिटिश के लिए तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और उसके अलावा ये गोलकुंडा फोर्ट सब अलग अलग फोर्ट के पिक्स लगे हुए पीछे से। And you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before when you put on the. तो ये हॉल में पूरे वो छह और उसके अलावा इधर कुछ एनिमल्स के पुतले बने हुए हैं और इधर We couldn't be friends anymore. I knock at the doors, pull on pizza. It's a earth fruit and you know that. I knock at the doors, pull on pizza. They just don't belong. So now we are at Chinese gallery. इधर पर Chinese के आइटम हैं मैं आपको बता दूँ। पूरे जितने भी आपको भी अभी आपने क्लिप देखे पूरे चाइनीज़ के आइटम हैं इसमें उनका मीन्स खालीन जो नीचे बिछाते हैं वो सब और उनका बर्तन ये वो सब तो डिफरेंट रहता है चाइनीज़ और जापनीज़ हमको भी नहीं मालूम मगर रहता है। सो अपन ने फोटोग्राफी के लिए दिया 50 रुपये तो अपन वसूल तो पूरा करेंगे पूरा एकदम कम्प्लीट बता देंगे टूर कैसा है आपको और 20 रुपये टिकट है वो तो नॉर्मल सी बात है सब कुछ है मगर ज़्यादा पैसे लिया इन्होंने उससे मैं म्यूज़ियम इज़ ऑल अबाउट यहाँ पर भी वही है अलग टाइप के मीन्स चीनी के बर्तन है मिट्टी के बर्तन है ये टाइप के ये पहले बहुत आते थे हम लोग भी खेल देखते थे इसको। सो एक्चुअली द होल म्यूज़ियम इज़ ऑल अबाउट मीर यूसुफ़ अली ख़ान उनका पूरा सामान जो भी था उनकी जो मिलिट्री बेस था वो सब था उसके बारे में और अलग अलग तरह की मीन्स कल्चर ये वो उसके बारे में और यहाँ पर सब क्ले से बने हुए हैं और ये चाइनीज फूड तो यहाँ पर आप इसके ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर नहीं जा सकते। सो अभी जो अवेलेबल है हम वही देखते हैं इसके ऊपर भी नहीं जा सकते थे मैं तो बता रहा हूँ और वैसे भी मैं यहाँ मेरा ये थर्ड टाइम है शायद क्योंकि एक बार स्कूल ट्रिप में आया था फिर एक साथ मेरे ग्रैनी के साथ और अब अकेले सेल्फ आ रहा हूँ अकेले। कौन कौन से एरिया के कौन कौन से मैप हैं आपको मैप भी देखने के लिए मिलेंगे कॉइन भी मिलेंगे ब्रिटिश एरिया कौन सा था इंडियन एरिया कौन सा था लाइक दैट आई थिंक सो ये कॉइन्स मेड अप ऑफ सिल्वर सो दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर व्हेन यू पुट ऑन द पाइनएप्पल वी कुडंट सो हियर इट इज अ ब्रिटिश फर्नीचर ये पालकी है पीछे और हियर इज सम फर्नीचर ओवर देयर कुछ फर्नीचर भी है फिर उसके अलावा डाइनिंग टेबल है और सोफे है और दैट्स इट।
सो वी आर एट अ ब्रिटिश गैलरी और यहाँ पर एक रोसलिन उसके बने हुए सब चीनी मिट्टी थे, बहुत एकदम भारी, एकदम ड्राइंग एकदम बेस्ट है इनकी। ये है पूरे ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश फ्रेंच और ऐसे दो तीन। वेस्टर्न ब्लॉक टू, यहाँ पर आपको पूरे कांच के बर्तन मिलेंगे मीन्स जो कुर्ती के लिए यूज़ करके नॉर्मली वो जग मग और दो तीन ग्लासेस और ये है थोड़े से। So now we are moving towards French Gallery और here is a mirror, मेरे पीछे एक mirror है, यहाँ पर भी एक बड़ा mirror है French Gallery में भी same। दिस ऑल आर दी सिगार का ये जितने भी हैं, सो ये उस टाइम से है अभी तक रखे हुए और हियर ऑल्सो मिरर और ये यहाँ पर कुछ मिरर है और उसके बाद ये प्लेट है। दिस इज़ एक्चुअली अ फ्रेंच गैलरी, सो इट्स माइड यहाँ पर आया मिलते वाइब्स थोड़े से। वी आर एट क्लॉक गैलरी, ये यहाँ पर पूरे क्लॉक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार से छोटे बड़े बड़े सब। सो हियर इट इज़ अ स्मॉल गार्डन ओवर हियर और यहाँ पर मीर यूसुफ का स्टैचू रखे हुए स्टैचू है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की वैन भी है, वो उधर पीछे है 19th century मीन्स ओल्ड टाइम। और ये है पूरा सालार जंग म्यूज़ियम, देखते हैं और जो भी म्यूज़ियम है वहाँ पर विज़िट करते हैं और बता दें आपको कि हैदराबाद में और क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं। सो गाइस आप अंदर बैग भी नहीं लेके जा सकते, ना आप अपने ट्राइपॉड लेके जा सकते, ना आप तंबाकू उठते हैं, इसीलिए इतना कॉशियन है तो ख़राब रहता था। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप यू एंजॉयड द ब्लॉग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस ब्लॉग और देखते रहिए सीरीज़ हैदराबाद मेरे साथ, देखते रहिए।